मेष राशि वालों के लिए बताया है गया है कम प्रयास से ही कार्य सिद्धि होगी, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, रोजगार में वृद्धि, मित्रों की सहायता आप कर पाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, व्यापार आप लोगों का बहुत ही अच्छा चलेगा, शेयर मार्केट में सोच समझ कर निवेश करें, कष्ट भय चिंता और तनाव का वातावरण बन सकता है, दुश्मनों से हानि होगी। और इनके साथ में वृष राशि है तो दुष्ट जनों से सावधान आप रहें, हानि आपको पहुंचा सकते हैं, जीवन साथी की स्वास्थ्य की चिंता भी रहेगी और कहीं से बुरी खबर आपको मिल सकती है, जोखिम उठाने का साहस भी आप कर पाएंगे, आय बनी रहेगी, भाइयों का सहयोग आपको मिलेगा, निवेश शुभ रहेगा, आज के काम कल पर नहीं टालें और विवेक का प्रयोग आप करें, लाभ होगा। मिथुन राशि, जल्दबाजी में कोई भी लेन देन ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, खर्च सामने आएंगे, यात्रा आपकी अच्छी जाएगी, अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, कारोबार में वृद्धि के योग है, पार्टनर का सहयोग मिलेगा, लॉटरी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, नौकरी में अधिकार बढ़ेंगे, घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। और कर्क राशि है तो भाग्य के साथ आपको मिलेगा और कीमती वस्तुएं आपको संभाल कर रखना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य की इसके ऊपर खर्च भी होगा और वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से आप बचें, बताया गया है कि चिंता और तनाव में वृद्धि भी होगी, किसी अनजान व्यक्ति पर अंधविश्वास आप ना करें, समय नष्ट है और बताया गया है कि बिजनेस आपका ठीक चलेगा और आय में निश्चिंता भी रहेगी। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए बताया गया है शत्रु शांत रहेंगे, धन लाभ के अवसर हाथ आएंगे, बिजनेस ट्रिप आपका अच्छा जाएगा, बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए कार्य प्रारंभ करने की योजना बनेगी, कारोबार में वृद्धि के योग है, नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, भाग्य का साथ रहेगा। कन्या राशि आपका है तो कन्या राशि के लिए देखा जाए बताया गया है कि संतान पक्ष से स्वास्थ्य तथा अध्ययन संबंधी चिंता भी रहेगी, नई योजना भी बनेगी, तत्काल लाभ नहीं मिलेगा आपको और कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ सकता है, बिजनेस लाभदायक रहेगा, नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड अनुकूल लाभ देंगे आपको। तुला राशि, थकान और कमजोरी रह सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धर्म कर्म में रुचि रहेगी, किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिलेगा, कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति आपकी अच्छी बनेगी, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, सुख के साधनों की प्राप्ति हो सकती है, धन प्राप्ति सुगम होगी। और वृश्चिक राशि है तो प्रेम प्रसंग में हड़बड़ी आप ना करें, विवाद हो सकता है और अगर आप ड्राइविंग करते हैं, मशीन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही सावधान आप रहें, किसी भी जगह पर लापरवाही आप ना करें। और इनके साथ में यह बताया गया है युवक युवतियां आज विशेष सावधान आज आपको रहना है, विवाद को बढ़ावा ना दें, स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है, लेन देन में सावधानी रखें। और ये रहा है वृश्चिक राशि के लिए। धनु राशि, कानूनी बाधाएं संभव है, हल्की हंसी मजाक करने से आपको बचना है, धन हानि किसी भी तरह हो सकती है, जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति आपकी बनेगी, अच्छी बनेगी, वैसे घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, लाभ में वृद्धि होगी। और इनके साथ साथ देखा जाए मकर राशि अगर आपका है तो कोई ऐसा कार्य आप ना करें जिससे अपमान हो और स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, चिंता और तनाव भी रहेंगे, सुख के साधनों पर व्यय होगा और स्थायी संपत्ति में वृद्धि के योग है, प्रॉपर्टी के काम बड़ा लाभ आपको दे सकते हैं, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे, नौकरी में सुख शांति रहेगी, निवेश में सोच समझकर हाथ डालें। और कुंभ राशि है तो आंखों को चोट और रोग से बचाएं, लेन देन में जल्दबाजी ना करें, मनोरंजक यात्रा की आयोजना हो सकती है, किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा, मन पसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा, मित्र संबंधियों के साथ समय आपका अच्छा बीतेगा, कारोबार अनुकूल रहेगा और जोखिम ना लें। और अंतिम राशि है मीन, अगर आपका राशि है तो बताया गया है कि आज भाग्य के साथ आपको मिलेगा, बिजनेस आपका ठीक चलेगा, भाग दौड़ भी रहेगी, जोखिम ना ले, कष्ट भय चिंता और तनाव का वातावरण बन सकता है, जोखिम साथ में जमानत के कार्य टाल दे, अपने वाणी पर कंट्रोल आप रखें, दूसरों के काम में आप नोकझोंक ना करें, दुखद समाचार आपको मिल सकता है और अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा और इससे आपको गुस्सा भी हो सकता है।